ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। स्वयं शांति के सागर बाबा, इस संसार में सुख और शांति की स्थापना के लिए आए हैं, वो युग बदलने आए हैं, इस धरा पर स्वर्ग रचने आए हैं, जहाँ संपूर्ण सुख और शांति होगी। हम स्वर्ग की स्थापना में भगवान के मददगार हैं, फील करें सभी, हम उसके मददगार हैं। उसने हमें ये बहुत बड़ा भाग्य दिया है कि अपने कार्य में हमें भी लगा लिया। कहीं हम उससे तन से मदद करते हैं, कहीं धन से, कहीं मन से, कहीं अपनी योग्यताओं से, लेकिन योग से उसे मदद करना, अपनी श्रेष्ठ धारणाएं अपना कर उसे मदद करना, ये बहुत सुंदर बात है। क्योंकि यदि हमें क्रोध आता है, यदि बात बात में घरों में हम झगड़ते हैं, यदि हम में अशांति फैलाने का संस्कार है, तो दूसरों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। परिवार वाले भी आपसे प्रभावित नहीं होंगे और जो लोग देखेंगे उनकी भी डिसर्विस होगी। और आज तक ये देखा गया है, जिनकी स्थिति बहुत सुंदर है, जो बहुत स्वीट बन गए, जिन्होंने अपने व्यवहार को बदल दिया, जिन्होंने अपने क्रोध को शांत कर दिया, जिनके बोल शीतल और नम्रता से भरपूर हो गए, उनके द्वारा बहुत सेवा होती है, उनका जीवन ही बहुत सेवा करता है। लोग उन्हें देखकर सोचते हैं, जिन्होंने इनको बदल दिया, जिन्होंने इनके जीवन में शांति ला दी, हम भी उनके ही पास चलें। और ये सेवा को आकर्षित करने का बहुत सुंदर साधन बन जाता है। इसलिए हमें ध्यान देना है, हमारे व्यवहार में, हमारे बोल से कहीं भी परिवारों में, कार्य क्षेत्र पर अशांति ना हो। हमारी रॉयल चलन, हमारे रॉयल बोल, हमारा रॉयल व्यवहार हमारी देव कुल की याद दिलाए, तो सब चिंतन करेंगे, अपने को देखेंगे, मेरे किसी बोल से दूसरे को अशांति तो नहीं होती। ऐसे नहीं परिवार में कुछ न मिला, थोड़ी बहुत देर हो गई, किसी ने कोई गलती कर दी, बात न सुनी गई और अशांत होकर, क्रोधित होकर चारों ओर लड़ाई झगड़ा प्रारंभ कर दिया। ये संस्कार अभी हमें समाप्त कर देना है। ये संस्कार हमारे नहीं हैं, ये मायावी संस्कार हैं, ऐसा सोचकर इन संस्कारों से नफरत करनी है। तो ये संस्कार हमसे दूर जाते रहेंगे, हम शांत हैं। जितना जितना हम शांत होते जाएंगे, संसार में शांति का स्वराज्य स्थापित करने में मदद होती जाएगी, तो अपने चित्त को क्रोध से मुक्त पूरी तरह शांत कर दें, अपने को चेक कर लें, मुझे कहाँ क्रोध आता है, कौन सी परिस्थितियाँ हैं जो मुझे क्रोधित कर देती हैं। ऐसा तो नहीं कि क्रोध मेरी नेचर बन गई है, बात बात में मुझे क्रोध आता रहता है, इसको ठीक अवश्य करना है। अहंकार ही क्रोध का बीज होता है। जैसे जैसे हम निरहंकारी बनते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा चित्त भी शीतल होता जाएगा, हमारे व्यवहार में भी रॉयल्टी आती जाएगी। तो आज सारा दिन हम लक्ष्य बना लें, हमें चित्त को पूरी तरह शांत रखना है और बाबा के इस महान कार्य में सहयोग देना है। ये संकल्प हमें बहुत अच्छी मदद करेगा। और सारा दिन हम पांच स्वरूपों का अभ्यास करते हुए ये प्रैक्टिस करेंगे कि अब ये खेल पूरा हुआ, अब मुझे सब कुछ यहीं छोड़कर भरपूर होकर कर्मातीत होकर वापिस अपने धाम जाना है।
मेरा अनादि स्वरूप, आदि पूज्य आदि देव स्वरूप, मंदिरों में स्थित पूज्य स्वरूप, मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण भाग्यवान आत्मा, भगवान के द्वारा पालना में पल रही आत्मा, और मैं फरिश्ता हूँ। एक मिनट में पांचों स्वरूपों का अभ्यास करेंगे और फिर मुझे भी फरिश्ता बनकर वापिस चलना है, ये सुंदर अनुभूति करेंगे घंटे में एक बार अवश्य। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।